हाँ बहुत सा आ रहे थे, 2 साल से खेल रहे थे हम लोग। थैंक यू दिखाने के लिए आपका कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट दिखाई। अच्छा है कि हमारा भी कभी नंबर आएगा, भगवान करे आपका भी नंबर आवे। एक नंबर स्थान पे आकर के आप कितना जीते वहाँ पे? वहाँ पे हम 1 करोड़ पूरे जीते हैं। उसमें KGF जो होता है बिग बॉस, उसमें हमने लगाए थे टीम। फिलहाल मैं नवादा में हूँ और नवादा का ये पिपरा खुर्द गांव है, और हमारे साथ जो अभी है राजू जी है, और राजू जी से ही हम बात करते हैं कि आखिर राजू जी के पास किस कारण से हमें आना पड़ा है। तो सबसे पहले स्वागत है राजू जी आपका हमारे चैनल पब्लिक कुरान न्यूज़ पे। जी बोलिए। अभी देख रहे हैं कि पूरे बिहार में या फिर अलग अलग न्यूज़ चैनल पे आपका वीडियो लगातार आ रहा है, और बताया जा रहा है कि कोई गेमिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे आपने अच्छा खासा विन किया, तो क्या ये सही है? सही है। अच्छा कहाँ पे आप इतना अचीवमेंट हुआ है आपको, कहाँ से आप? ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में जो था ना ड्रीम लेवल होता है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे KGF जो होता है बिग बॉस, उसमें हमने लगाए थे टीम। BBL बिग बॉस बोलता है, बिग बैश लिंग बोलते हैं। बिग बैश जो भी है, उसी में हमने जीते हैं। अच्छा कौन कौन सा टीम के पीछे आप लगाए थे? अब वो तो हमको नहीं मालूम है, पर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था और थोड़ा बहुत चिंतित थे। मैं बता दूं कि राजू जी 29 दिसंबर को जो मैच चल रहा था सिडनी थंडर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच, उस मैच में राजू जी ने अपनी टीम लगाई थी, और इनका जो अकाउंट था, हालांकि जीतने के बाद ही मैंने इनका अकाउंट चेक किया था, उस पर शनिदेव महाराज का जो मंदिर का फोटो लगा हुआ था मैंने देखा भी था, और राजू करके आपका आईडी है उस पर जी, जिस पर आपने जे केजली को कैप्टन बनाया हुआ था, और वहीं पे आपने अच्छा खासा पॉइंट लाया और 1 नंबर स्थान पे आए। एक नंबर स्थान पे आकर के आप कितना जीते वहाँ पे? वहाँ पे हम 1 करोड़ पूरे जीते हैं। उसमें जो कटता है वो काट करके हमको अकाउंट में डाल दिया गया। पैसा आपके अकाउंट में आ गया जी। एक बार में आप विड्रॉल मारे थे या फिर रुक रुक के? हम रुक रुक के भी मारे थे और एक बार भी मारे थे। सारा पैसा आ गया आपके अकाउंट में, तो अभी आप खुश हैं? खुश हैं। क्या करते हैं आप? हम तो टेंट उंट का वगैरह वगैरह डीजे वजे चलाते थे। डीजे चलाते थे, अभी चला रहे हैं? चला रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा खुशी है, हम आए, हमें अच्छा लगा, प्रसाद भी हम खाए आपके घर का नींव का, तो पता चला कि हम ऐसे मुहूर्त पे पहुँचे हैं जिस दिन आपका नींव डाला जा रहा है। तो पंडित जी भी काफ़ी खुश है, आपके जो मिस्त्री है वो भी काफ़ी खुश है, सिर्फ हमें थोड़ा सा लग रहा था कि राजू जी यहाँ पे है नहीं, राजू जी से खास हमारी मुलाकात हो जाती है, तो खैर आपसे हमारा मुलाकात हो गया और ये हमारी सौभाग्य की बात है कि आपसे हमारी मुलाकात हुई। तो उन्हीं पैसों से आप घर बना रहे हैं जी? उसके बाद घर बनाने के बाद आप क्या करेंगे, जो पैसे रेस्ट अमाउंट बचेंगे? जो पैसा बचेगा वो हम अपना बिजनेस करेंगे। बिजनेस कीजिएगा? हाँ जी सकते हैं। एक मिनट रुकिए ना, राजू जी अपना अकाउंट खोल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये राजू जी का अकाउंट है। 29 दिसंबर आप खोलिए, 29 दिसंबर ये रहा, 29 दिसंबर को हम बेसमेंट हिट्स वर्सेस। तो आप देखिए कि ये राजू जी का टीम है, और लगभग 3 टीम लगाए थे ना आप? चार टीम लगाए थे, जिसमें एक विनिंग, 2 विनिंग सेक्शन से बाहर रह गया था, और 5 टीम इन्होंने लगाया था जिसमें 2 विनिंग से बाहर था और 1 टीम में इनका अमाउंट आया था, और पहला इनका जो टीम नंबर 5 था उस पर इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट किया था, 1027 पॉइंट किया था, जिसमें कि मार्क गुकीज वॉइस विकेट कीपर थे, उसके बाद रॉली रूसो मुनरो आर विदली और ओडवाइज कैप्टन बैटिंग वाले सेक्शन में थे, और ऑलराउंडर वाले सेक्शन में एम नसीर जे बिजली डैनियल सैम्स, बॉलिंग वाले सेक्शन सी ग्रीन एम एंड्रूड और के कुरुनाइट थे। तो इस तरह से इनका जो कैप्टन थे जे बिजली थे और मुनरो थे नहीं जी, यहीं से आप जीते थे। तो ये राजू जी हैं जिनका ये आप टीम देख रहे हैं, बाकी काफ़ी अच्छा लगा इनका देख करके कि इतनी बड़ी अचीवमेंट इनको मिली है। ओके थैंक यू राजू जी, थैंक यू दिखाने के लिए आपका कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट दिखाई। अच्छा आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ड्रीम इलेवन खेले या नहीं खेले? देखिए हम किसी को ऊपर कह नहीं सकते, जिनका मर्जी है खेले, जिनका नहीं मर्जी नहीं खेल भी सकता, और अपना अपना जाने क्या करेगा, नहीं करेगा। हमको अच्छा लगता था खेले और साथ दिया, और लग अच्छा, साथ दिया, जीत गए। अभी जीते हैं, उससे पहले हारे भी थे क्या? हाँ बहुत सा हारे थे, 2 साल से खेल रहे थे हम लगभग। 2 साल से खेल रहे थे लगभग, हम भी 2-3 साल से खेल रहे हैं, लेकिन हमारा तो ऐसा कभी कोई चांस नहीं लगा है। क्या कीजिएगा आप, लेकिन हम जो है ना अभी तक 50 से ऊपर ड्रीम इलेवन विनर का इंटरव्यू कर चुके हैं पूरे बिहार में, और अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आप हमको ज़रूर देखे होंगे, डेफिनेटली इस बात को तो हम प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि देखे होंगे। तो लगता है कि हमारा भी कभी नंबर आएगा, भगवान करे आपका भी नंबर आवे, सबको नंबर आवे।
सबको नंबर आवे। हाँ, जो खेले ना खेले टीम भी देते हैं आप क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल वो चीज नहीं सोचे हैं। सोचेंगे पर देखा जाएगा। अच्छा, देखा ऐसे तो हमारा विनिंग टीम लगभग दो दिन पर हमेशा 1500-2000 जीतती रहे। मतलब हर दो दिन पे 1500-2000 आपको कहिएगा तो अपना अमाउंट दिखा देंगे। अच्छा अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं है, पर उतना ठीक नहीं है। नहीं, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ज्यादा चीजों का लोभ नहीं होना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, सही बात है। ये राजू जी है, इनके लाइफ में एक उपलब्धि मिली है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे ही दिसंबर 29 आया ना, तो इनके लाइफ में एक अलग सा करवट मोड़ा गया। और इतना सुंदर मोड़ कभी आपने सोचा था कि नया साल में नया उपहार मिलेगा और इतना बड़ा उपहार? कभी नहीं सोचे थे। आपकी वाइफ खुश है? सब। अच्छा, पहले खेलते थे तो वाइफ डांटती भी थी कि मतलब पैसा? कोई जानवे नहीं करता था। एक आदमी का इंटरव्यू लिए थे ना, तो खेल लेता था, टीम लगा के एप्लीकेशन डिलीट कर देता था, और फिर जब खेला हो जाता था उसके बाद रिजल्ट देखने के लिए टीम ऑन करता था। उसका भाई जो है उसको बांध के मारता था कि काहे खेलता है। अच्छा, अच्छा। उसके चक्कर में पूरा दुकान का सामान उमान बेच के सारा पैसा उसी में बुला दिया। वैसा तो हम जब जीते उसका बाद, लेकिन वो जीता 15 लाख रुपया जीता। अच्छा अच्छा। लास्ट में जीता, समझे? तो ऐसा कंडीशन था, तो ऐसा नहीं ना आपके साथ? नहीं नहीं, वैसा हमारा कंडीशन नहीं, किसी को कोई पता नहीं था। सिर्फ ये बोलता था घर वाला कि क्या करता है मोबाइल में, भाई गेम उम खेलते हैं, और क्या बोल सकते हैं। डीजे का बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है। खुश है आप? खुश है। फिलहाल राजू जी खुश है। तो ये राजू जी थे जिनसे हमने जिनका मुलाकात हमने आपसे करवाया। और ड्रीम इलेवन पे ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी थंडर में का जो मैच 29 दिसंबर का, उसमें टीम लगा करके पहले रैंक पे आए थे। 5 टीम लगाई थी जिसमें 2 टीम विनिंग सेक्शन से बाहर हो गया था, 3 टीम में 2 में पैसा आया था और 1 में सबसे पहले स्थान पे आए थे और 1 करोड़ रुपये का राशि जीता था इन्होंने। बाकी आपको हमारा प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।